मैयर में अतिक्रमणकारियों के समर्थन में जन समस्या समाधान समिति ने धरना प्रदर्शन किया। समिति के प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक पांडे ने कहा कि अतिक्रमण हटाने के नाम पर लोगों को बेरोजगार ना किया जाए। मैयर में विगत कुछ दिनों से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है, जिसको लेकर ठेला और फुटपाथ व्यवसायियों के समर्थन में जन समस्या समाधान समिति ने कलेक्ट्रेट में धरना प्रदर्शन किया। जन समस्या समाधान समिति के प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक पांडे ने कहा कि अतिक्रमण के नाम पर लोगों के रोजगार को खत्म ना किया जाए। अतिक्रमण के नाम पे सिर्फ उन लोगों को परेशान किया जा रहा है जो बेबजह मतलब किनारे लगाए गए हैं, गरीब व्यक्ति हैं। शहर का सौंदर्यीकरण करना है, शहर का यदि विकास करना है तो गरीबों को उजाड़ के नहीं, गरीबों को बसा के किया जाता है। उनकी जो मजबूरियां उनकी तकलीफें उसको दूर करके शहर का विकास होता है। आज शहर में आप अभी देखे हैं कई ऐसे व्यक्ति हैं जो चल भी नहीं पा रहे हैं, वो शहर में टपरा लगा के अपना परिवार का पालन पोषण कर रहे थे। हमारे मैहर में देखा गया है कोई भी व्यक्ति भीख मांगता नहीं दिखा आपको ज्यादा, वो सम्मान में अपने स्वाभिमान में रोड में चाहे फट्टी लगा के फुटपाथ में दुकान चलाता हो पर व्यापार करने का काम करता है। मोदी सरकार का कहना है कि लोगों को सबका साथ सबका विकास, उन मैहर की जो सरकार है भाजपा सरकार उनके द्वारा आज वही पीछे वाले व्यक्ति को और धकेलने का काम किया जा रहा है जो सबसे गरीब है। आज उनके पास बड़ी दुकान लेने के लिए पैसा नहीं है, इसीलिए वो फुटपाथ में दुकान चला रहे थे, टपरे में दुकान चला रहे थे, कहीं किसी घर में चोरी नहीं कर रहे थे। छोटे छोटे कम उम्र के युवा है 18 साल 20 साल के, वो आज मैहर में 3-3 फैक्ट्रियां थी, कोई रोजगार नहीं दे रहा था तो लोन लेके वो रोजगार किए थे। ठेला कोई समोसा बेच रहा था, कोई चाट फुर्ती की ठेला गया, उसको उजाड़ दिया गया। कलेक्टर महोदया जी को हमने आज ज्ञापन देने के लिए पहले से भी जानकारी दी थी, आज देने आए थे। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।